बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गंगा किनारे बसा ये शहर ऐतिहासिक रूप से अहम है। नए परिसीमन में पुराना पटना मध्य विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा पटना सदर प्रखंड में नगर निगम के वार्ड संख्या 4, 5, 7 से लेकर 13 तक और वार्ड संख्या 15 इसका हिस्सा बने। पहले के पटना मध्य विधानसभा क्षेत्र में शामिल नगर निगम के वार्ड संख्या 26, 27, 28 और 29 के अंश को अलग कर दिया गया है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 182 है। मतदाता संख्या, कुल मतदाता 3,15,690, पुरुष मतदाता 2,02,029, महिला मतदाता 1,75,850। चुनाव परिणाम, बांकीपुर विधानसभा चुनाव 2010, बीजेपी के नितिन नवीन को 78,771 वोट हासिल हुए थे, तो वहीं आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव को 17,931 वोट मिले थे। आईएनसी के दुर्गा प्रसाद को 6,018 वोट मिले थे और एनसीपी के जाकिर हुसैन को 1,259 वोट मिले थे। इंडिपेंडेंट की अगर बात करें तो सुनीता प्रीतम को 940 वोट मिले थे। बांकीपुर विधानसभा चुनाव 2015, बीजेपी के नितिन नवीन को 86,759 वोट हासिल हुए थे, तो वहीं आशीष कुमार जो कि आईएनसी पार्टी से थे उन्हें 46,992 वोट मिले। सीपीआई के शौकत अली को 1,542 वोट, तो बीएसपी के अभिषेक कुमार सिन्हा को 863 वोट हासिल हुए। एसपी के अजय कुमार को 708 वोट मिले, तो वहीं नोटा के खाते में 1,021 वोट गए। पिछले 5 विधानसभा में कौन कौन रहे विधायक? 1990 में रामानंद यादव निर्दलीय पार्टी, 1995 नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा, साल 2000 में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा पार्टी, 2005 फरवरी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा, 2005 अक्टूबर नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा, 2010 में नितिन नवीन भाजपा से विधायक रहे, तो वहीं 2015 में भी नितिन नवीन ने भाजपा पार्टी से ही जीत हासिल की और विधायक बने। बांकीपुर विधानसभा पूर्व में पटना मध्य भाजपा का बड़ा वोट बैंक साबित होता रहा है। फरवरी 2005 के चुनाव में सिन्हा को 55.92% और विरोधी रामजतन सिन्हा को मात्र 18.91% वोट मिला था। अरुण सिन्हा के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक वोट 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन को 66% मिला था। 1980 में भाजपा के शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव 31.26% वोट लाकर विधायक बने और विरोधी अकील हैदर को 25.09% वोट मिला। 1985 में कांग्रेस के अकील हैदर 47.46% वोट लाकर विधायक चुने गए। तब बीजेपी के शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव को 19.29% मत मिला। सुशील कुमार मोदी 1990 में 30% वोट लाकर जीते और विरोधी अकील हैदर 27.04% पर आ गए। बता दें कि सुशील कुमार मोदी को 1995 में 52.35% और साल 2000 में 61.46% वोट मिला। जातीय समीकरण, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कायस्थ जाति का दबदबा है। यही वजह है कि नितिन नवीन 2010 से विधायक की कुर्सी पर काबिज हैं। बांकीपुर के चुनावी मुद्दे, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या शुद्ध पेयजल है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए पिछले 5 वर्षों में लगभग 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र की लगभग 2.5 लाख से अधिक मतदाता आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। इन्हें पीने के लिए शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। जलापूर्ति पाइप जर्जर हाल में है। सरकारी स्तर पर जलापूर्ति के लिए लगभग 500 करोड़ की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत पुरानी पाइपलाइन बदली जानी थी, लेकिन ये काम नहीं हो सका। इस योजना के तहत गंगा का ट्रीटमेंट करके और वाटर टावरों से जलापूर्ति करने की बात है। पटना मध्य के नवसृजित बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के वक्त किए गए वायदों पर जनता के सवाल भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।